पिछले 5 साल में ये 3 बार अतिवृष्टि हुआ है, बारिश ज़्यादा हुआ है। लास्ट टाइम जब हुआ था कोविड के समय हुआ था, रेवेन्यू मिनिस्टर आर अशोक साहब को लेके आके इंस्पेक्शन करा के सबके अकाउंट में पैसे डालने का काम हम भारतीय जनता पार्टी से बम्बई सरकार से उस टाइम पे हुआ। और फिर अभी परसों इनका ही रमेश भुइया बोल के इसका बाजू का खेत के सामने का खेत इनका ही है, सोया चले गया था। सरकार केंद्र सरकार से डिजास्टर मैनेजमेंट से ऑफिसर्स आए थे, सर्वे किए, औरात का सर्वे किए, भालकी का किए, बीदर का किए, लेकिन बीदर में उतना सर्वे बरोबर से नहीं हुआ था, उसके लिए पेमेंट नहीं आया था। फिर हम ही रिक्वेस्ट करके एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट, रेवेन्यू डिपार्टमेंट ज्वाइंट सर्वे करो बोल के और एक बार सर्वे करा के, और करने के बाद इनको पैसा भी आया, आया ना, उनको पैसा भी आया किसानों को। क्यों नहीं मिला आज तो आने कल पत्थर गिर के पूरा बर्बाद हो गए। इसको तो कोई आ जा रहे, कोई भी आ जा रहे, देखते हैं फोटो मार लेते हैं, रोड को फोटो मार लेते हैं, अंदर के खेत को देखते हैं, कम से कम हो एक को उसको क्या था 10 रुपए परिवार देना। फोन दिया जी, आज तक कोई नहीं। सोयाबीन का इंश्योरेंस भरे, सोयाबीन का नया पैसा नहीं मिला, मिले तू और का ये इंश्योरेंस भरो, इंश्योरेंस वाले सब भर रहे, भर रहा मैं भी भर देता, मैं नहीं भर रहा हूँ इंश्योरेंस अभी। क्यों नहीं भरे? मेरे को नहीं मिल रहा पैसा, कोई बात नहीं, पैसा कहाँ जा रहा है पैसा, इंश्योरेंस सब जो रहा है किसानों का। क्या हो गया? हो गया क्या? हो गया क्या? जरा बजा रहे, जरा बजा रहे, आंदे जाने लो अमल चेयर ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಮಾಡಿರಲ್ಲ ಯಾರಿಗೂ ಸುಮ್ಮನೆ ಅನುಮತಿ ಮಾಡ್ತಾರ, ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ನಿಮ್ಗೆ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, 100 ಮಂದಿ ಈ ಕಡೆ ಕಡೆ ಇಲ್ಲ, ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಆಯ್ತು ಎಲ್ಲ ಇದೆ ಹೇಳಿ, ಅವ್ರು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಬರ್ತಾರೆ, ಮಾತಾಡ್ರಿ, ನಿಂತು ಮಾತಾಡ್ರಿ, ನಾವು ತಾಸು ಮಾತಾಡ್ರಿ, ನಾವು ಒಂದು 2 ತಾಸು ಇರ್ತಿರ್ತೇವೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆದ್ರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಅನ್ನತ್ತಾರೆ. पिछले 5 साल में ये 3 बार अतिवृष्टि हुआ है, बारिश ज़्यादा हुआ है। लास्ट टाइम जब हुआ था कोविड के समय हुआ था, रेवेन्यू मिनिस्टर आर अशोक साहब को लेके आके इंस्पेक्शन करा के सबके अकाउंट में पैसे डालने का काम हम भारतीय जनता पार्टी से बम्बई सरकार से उस टाइम पे हुआ। और फिर अभी परसों इनका ही रमेश भुइया बोल के इसका बाजू का खेत के सामने का खेत इनका ही है, सोया चले गया था। सरकार केंद्र सरकार से डिजास्टर मैनेजमेंट से ऑफिसर्स आए थे, सर्वे किए, औरात का सर्वे किए, भालकी का किए, बीदर का किए, लेकिन बीदर में उतना सर्वे बरोबर से नहीं हुआ था, उसके लिए पेमेंट नहीं आया था। फिर हम ही रिक्वेस्ट करके एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट, रेवेन्यू डिपार्टमेंट ज्वाइंट सर्वे करो बोल के और एक बार सर्वे करा के, और करने के बाद इनको पैसा भी आया, आया ना, उनको पैसा भी आया किसानों को। उसके बाद में इस वक्त में भी अभी मैं कमिश्नर एग्रीकल्चर से बात किया हूँ, शरद जी बोल के है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री से भी रिक्वेस्ट करके, यहाँ पर बर्फ़ के माफिक बारिश हुआ है, ये बारिश के लिए बहुत किसानों का फसल बहुत ख़राब हो गया है, इसके लिए भी इमिडिएटली ज्वाइंट सर्वे करके, अभी किसान के रईत मोर्चा के अध्यक्ष थे उनसे ही कमिश्नर से बात कराया हूँ और किसानों से भी बात कराया हूँ, जल्दी से जल्दी उनको ये परिहार में मिलने का कोशिश हो जाता है। ये सवाल है कि यहाँ के ड्रेन का काम नहीं करने की वजह से पानी इसमें, ये ड्रेन का काम, ये रोड का काम अलग है, ये रोड का कौन सा कंपनी कर रहा है, क्या कर रहा है, मुझे एक्चुअली ये रोड के बारे में उतना जानकारी नहीं। देखो ये ऐसा आइस गिरा है, इतने बड़े आइस गिरा है, सर पे गिरा तो इंसान मर ही जाता है। सर किसानों का कहना यह है कि इंश्योरेंस कंपनी ने आज तक हमको पेमेंट कभी नहीं किया। सर इंश्योरेंस कंपनी ने पेमेंट किया है लास्ट टाइम ही, देखो सर लास्ट टाइम ही पेमेंट करने के बाद ही इनके अकाउंट में पैसा आया, जॉइंट सर्वे हॉर्टिकल्चर एग्रीकल्चर और रेवेन्यू डिपार्टमेंट करने के बाद 3,000 चिल्लर कुछ सबके अकाउंट में आया सर पैसे। इस बार में भी अभी आया हूँ,
कमिश्नर साहब से इनके सामने बात किया और इनको भी बात कर आया हूँ, सब किसानों को डायरेक्ट ओपन हैंड फ्री में बात कराया हूँ। कमिश्नर शरद बोल के है, मैं इमिडिएटली परिहार करने का कोशिश करता हूँ, इंस्पेक्शन करवाता हूँ बोल के, उन्होंने भी ज्वाइंट सर्वे करा के करता हूँ बोल के बोले हैं सर। अगर नहीं हो तो आप क्या एक्शन लेंगे? 100% हो जाएगा सर। सर जितने भी एस्पिरेंट कैंडिडेट बीजेपी के हैं अभी तक इस जगह पर विजिट नहीं करे, खाली आप भी करें सर। इंश्योरेंस बारे में ठीक, ना इंश्योरेंस मास्तेव ಈಗ ಕೂಡಲೇ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಏನಿದೆ ಅವ್ರದ ನಿತ್ಯ ಜೀವನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಉಪಜೀವನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನಿದೆ ಜೋಳ ನೋಡಿ ಕೈಗೆ ಬಂದಿದ್ದು ಹೋಗಿದೆ, ಇದು ಕೈಗೆ ನನಗೆ ಅನಿಸ್ತದೆ 2-3 ದಿವಸದಾಗ ರಾಶಿ ಆಗ್ಬೇಕಾಯ್ತು, 2-3 ದಿವಸದಾಗ ರಾಶಿ ಕೋಶಿಶ್ ಕರೆಂಗೇ ಲೇಕಿನ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಹಮ್ ದೋ ಬಾರ್ ಭಿ ಆಯಾ ಹೂಂ, ದೋ ಬಾರ್ ಯಹಾಂ ಪರ್ ಬೆನಕನಳ್ಳಿ ಚಾಂಬಳ್ ಹಿಪ್ಪುಳಗಾಂವ್ ಅಲ್ಮಾಸ್ಪುರ್ ವಿಲಾಸ್ಪುರ್ ಯೇ ಸಬ್ ಗಾಂವೋಂ ಕೋ ಮೈ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ जो जो भी किसान का ये फसल गया था उस टाइम पे गवर्नमेंट के तरफ से 3,000 रुपए उनके खेत उनको अकाउंट को भी आया, इधर ही है देखो गवाह भी इधर ही है। आपके बोलने से बोलने नहीं हुआ था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ऑफिसर्स आए थे, फिर मैं झगड़ा करके मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई साहब को लेटर देने के बाद उन्होंने रीसर्वे करो बोल के उन्होंने लेटर दिए, वो लेटर देने के बाद रीसर्वे हुआ आके करने के बाद अकाउंट में पैसा भी आया जनता 20 दिन से बनता 20 दिन में पैसा है, इस बार भी वैसे जल्दी से जल्दी पैसा आया। नहीं सर उसको इसको कुछ संबंध नहीं है। रमेश भैया मरकल के बात मरकल से बात कर रहे हैं, मैं भी एक रईत के बेटा हुआ हूँ, इधर जो पानी से पूरा खराब हुआ है, बहुत बहुत खराब हुआ है, पहले भी खराब हुआ था, 6 महीने के पीछे भी सोयाबीन दाले सो भी खराब हुए था, कोई भी शासक इधर नहीं आया है, हमारा शासक लोकल शासक नहीं है सूर्यकांत नागरमपल्ली अन्ना जी आके हमारा परिहार का प्रॉब्लम क्या है वर्कर क्लियर करे, बहुत इधर मरकल में बहुत प्रॉब्लम है, ये पानी गिर के लोगों को सोयाबीन वैसा हो गया, अब जवारी हाथ को आएसो वाला जवारी पूरा पानी में ठहरा है और तरकारी दाले सो तरकारी गए, बहुत बहुत नुकसान हो गए। मैं कृपया आपका हाथ जोड़ के विनंती करता हूँ, जो जो काम आप करने का है ये गवर्नमेंट से करने का है, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी करके इधर रहित का लोगों का प्रॉब्लम क्या है वो क्लियर कर दो बोलकर मैं आपको हाथ जोड़ता हूँ। लास्ट टाइम हमारा सोए गए थे, सोए में पानी आके सोए गए थे, गए तो सूर्यकांत नागरमपल्ली अन्ना जी आके ऑफिसर को बात करके 15-20 दिन के अंदर हमारा सोयाबीन के 3,200 रुपये चिल्लर हमारा अकाउंट में आ गए, काम करा है रहित को बहुत लोगों का रहित को किन किन आप नहीं आपका भी एक हजार आया बोले ना इधर लोकल का क्या इसका कहते क्या कि ट्रैक्टर का बोल के बोल रहा हूँ नहीं नहीं कोसा है बोलकर बेड़े बेड़े सर्वे को आया है हमारे को आया है जो भी काम कर रहा है सूर्यकांत नागरमपल्ली अन्ना जी कितना अगर उन्होंने शासक नहीं क्या भी नहीं कुछ भी नहीं लेकिन इधर काम कर रहा है सूर्यकांत नागरमपल्ली अन्ना जी काम कर रहा है कुछ भी नहीं करे 4 साल के बाद आज ही आ गए शासक 4.5 साल के बाद आज ही मरकल को आके पूछ रहे हैं लोगों का प्रॉब्लम क्या है बोलकर अब तक कोई भी नहीं आया उन्होंने आके पहले भी आके देखे गए है 1 रुपए का काम नहीं करे है इधर सूर्यकांत नागरमपल्ली अन्ना जी आके करे है आगे भी करते रहता है उन्होंने आप सर दस ये आने कल पानी पड़कर हमारा 1,000 एकड़ जमीन मरकल में चले गए ಇಲ್ಲ ಹಿಂದಿ ಹೇಳಲತ್ತಾರ ಅವರು ದೇಖಿಯೆ ಏ ಗನ್ನಾ ಚಲೆ ಗಯಾ ಫಿರ್ ಜವಾರಿ ಚಲೆ ಗಯಾ ಏ ಹಮಾರ ತರಕಾರಿ ಪೂರಾ ಚಲೆ ಗಯಾ ಜವಾರ್ ಗಯಾ ಔರ್ ಉಡಿದ್ ಗಯಾ ಉಡಿದ್ ನಹೀ ಕರಡ್ ಗಯಾ ಕರಡ್ ಸಾಬ್ ಅಬ್ ಸರದಸ್ ಖೇತ್ ಕೋ ಚಲೋ ಪೂರಾ 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 ಗಿರೇವಾ ಘೇವ್ ಗಯಾ ಔರ್ ಜೋ ಅಬ್ ಪಾನಿ ಕಾ ಜಮೀನ್ ಆಯ್ ಪೂರಾ ಬರ್ಬಾದ್ ಹೋ ಗಯೆ ಅಬ್ ಜವಾರಿ ಪೂರಾ ಬರ್ಬಾದ್ ಹೋ ಗಯೆ और गन्ना है गन्ना चले गया और ये हमारा इमली गिर गया पूरा और आम का झाड़ पूरा लय हो गया सुने फिर ये सब इंक्वायरी होने के बाद सब लोगों को परिहार होना परिहार ऐसा एक को आया एक को गया वैसा नहीं इंक्वायरी करके डालना किसका टोटल सर्वे होना
ये हमारा जो ये डिपार्टमेंट वाले, मैं ज्यादा बात कर रहा है तो मेरा डाले, उन जात कर रहे तो उनका डालने का नहीं, सबका डाले तो हमको अच्छा है इंक्वायरी करके।